हाय फ्रेंड्स, मैं मोनू। फ्रेंड्स, ये हमारी गाड़ी है, i10 मैग्ना है, 1.2 लीटर। इसमें कापा इंजन लगा है, कापा टू। फ्रेंड्स, ये हमारा सेम इसमें i20 वरना जो हमारी पेट्रोल गाड़ी है, सेम लगा रहता है इनमें, इसमें इंजन कापा वाला। तो फ्रेंड, इसमें हम इसका आज जो गाड़ी है i10 मैग्ना, इसमें हम इसका आज फ्रेंड्स, जो हमारी गाड़ी है इसमें क्या हो रहा है, आइडियल पे हमारी आरपीएम अप डाउन मार रहा है, सेट नहीं रह रहा। तो आज हम जो इसकी थ्रोटल बॉडी है, इसे खोल के आज हम थ्रोटल बॉडी को क्लीन करते हैं। इसे फ्रेंड हमने स्प्रे मारा था स्प्रे से, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत पड़ा तो भी आरपीएम अप डाउन मारा। तो अब इसे खोल के क्लीन करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम इसकी थ्रोटल बॉडी साफ करेंगे, कोई गंदी हो। इतनी गंदी है अंदर से थ्रोटल बॉडी, गाड़ी में एवरेज भी इसी से सेट नहीं होती, जो आती नहीं है। बाकी स्प्रे मारता असर नहीं हुआ। अब करते हैं इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन। इसके जो ये वॉल्व वगैरह रहते हैं, आइडल जो कंट्रोल करता है, ये हमारा चौक हुआ पड़ा है। ऐसे खोल के इसे क्लीन करेंगे पूरी कंप्लीट को, करते हैं इसे साफ। फ्रेंड्स, का ये स्विच है सोलनॉइड, इसे हम खोलेंगे आज। अब एरे में दो ये लगे और दो एरे जो खोल के अंदर वॉल्व लगा रहता है उसे साफ करेंगे, बाकी फिर करते हैं इसे कर। ये हार्ड है, फ्री होना चाहिए एकदम। अब करते हैं इसे साफ। तो 10 mm के बोल्ट लगे, ये मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट पे ऑपरेट होती है। इस वाल के अंदर कुछ नहीं रहता, ये इसमें पहले ही मैग्नेट है, ये बाकी इसमें अंदर वायरिंग रहती है, कंट्रोल करती है ये भी। एक्यूरेट मोटर का काम करता है क्योंकि मैग्नेट है ही, बाकी वाइंडिंग इसमें, ये सेंसर इसे, ये वैक वंडर वेल जो सेंसर है इसे जो आइडल कंट्रोल वाल्व से ऑपरेट करती है। अब खोलते से इसके बाल को, एक तो खुल गया, थोड़ी भी आवाज आ रही लग रही। इन्फ्लुएंसर नहीं टूट उठे तो हुआ है।
ये फ्रंट अंदर काला पड़ा हुआ है, करते हैं इसे साफ। दिखाते हैं कैसे कैसे क्या है, ये पूरा काला भरा हुआ अंदर। फ्रेंड्स करते हैं साफ, फिर करते हैं इसकी फिटिंग। ये हमारी थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं क्लीन, आज हमेशा साफ करवानी चाहिए हर सर्विस पे, प्रॉपर एवरेज भी देगी तो ये काम नहीं करती है। तो निकाला करते हैं इसे क्लीन। इसका ये भी साफ कर दिया, उसके बाद फ्रेंड्स ये हमने कर दिया इसे साफ, और इसमें केमिकल डाल रखा है ये, उससे एकदम फ्री हो जाता है केमिकल से। ये खुद ही अपने आप मूव हो रहा है, एक ऊपर लाके छोड़ दो, पहले ऐसे नहीं हो रहा था। ठीक है, अब ये बड़ी हार्ड है, इसमें से ओनली यहाँ हमारी आइडल पे कंट्रोल करता है, बाकी इस जगह लगा रहता है। यहाँ से लेके डायरेक्ट फिर इस साइड से यहाँ इस साइड रहता है, यहाँ से फेंकता है एयर। अब करते हैं इसकी फिटिंग। ये फ्रेंड्स हमने एकदम चकाचक साफ कर दी एकदम, इस तरफ से भी, पहले बहुत इसमें कूड़ा ही गंदी गंद भरा हुआ था एकदम। करते हैं अभी से फिट, एक गैस्केट होती है इसकी वाल की, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देंगे। इसका वाल है ये ऐसे, ये फिट हो गया। तो बाकी इसके ये दो बोल्ट होते हैं 10 mm के इस टाइप के, और इसे लगा के ऐसे, और ये रहा हमारा सॉकेट छोटी सी फोल्स, और ये हमारा हैंडल। ये फ्रेंड्स ने इसे कंप्लीट टाइट कर दिया, उसके बाद इसकी एकदम टाइट टाइट कर देंगे इसकी एकदम टाइट। ये भी हो गया, उसके बाद इसके जो इसमें सिप लगी थी ये वार्सल, एक ये थी और एक ये थी, और इसमें एक रिंग लगेगी। फ्रेंड्स ये इसमें हमने इसकी सील लगा दी है, ये फ्लैग से लगी है, उसके बाद ही सेंसर लगाएंगे। ये कभी भी जो CNG गाड़ी होती है उसमें हर सर्विस पे चेंज साफ कर क्लीन करवाना चाहिए, क्योंकि CNG गाड़ी में ही ज़्यादा ही ख़राब भी होती है, चौक हो जाती है एकदम। बाकी पेट्रोल में तो इतनी दिक्कत नहीं आती, CNG गाड़ी में सूखी चलती है। करने के बाद इसे दोनों बोल्ट को टाइट कर देंगे, ये कंप्लीट हो गई। एक इस साइड हो गया, लेफ्ट साइड, राइट हो गया, लेफ्ट वाला भी कर देते हैं।
जितना भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होती है, हम मैकेनिकल इसे ऑपरेट नहीं करते। इसका ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो होता है हमारा ECU, उसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। इसमें बहुत सेटिंग मिलानी पड़ती है तभी ये प्रॉपर काम करता है, और सेटिंग आउट भी रहेगी तो काम नहीं करेगा। इसमें इशू आ रहा था, वार्निंग लाइट भी आ रही थी, चेक इंजन लाइट आ रही थी। ठीक है, फ्रेंड्स ये हमने इसे कंप्लीट कर दिया। अब करते हैं थ्रोटल बॉडी को फिट, एकदम क्लीन हो चुकी है। इसे प्रॉब्लम थी इसमें लगा भी। ये इस जगह हमारे इसमें दो स्टड लगे हैं और दो बोल्ट लगेंगे लंबे लंबे, इसमें होल रहते हैं चार। इसके बाद इसमें एरो भी दिया होता है हमें। इधर दिखाओ, ठीक है स्टड है, स्टड में डाल दो, उसके बाद खुद ही आ जाएगा अपने आप। ये लग गया, सेट हो गया। उसके बाद दो हमारे बोल्ट है, बाकी दो स्टड लगे हुए हैं, इसमें दो नट लगे हुए और एक ये नीचे सेंसर लगा है जो आइडल वाला था। इसका भी कपलर लगाते हैं, लगा भाई वो नीचे वाला भी कपलर लगाते पंगे नीचे वाला, ये हमारा कपलर होता है। ये लग गया, उसके बाद एक इस साइड का भी है। बाकी पहले थोड़ा बॉडी टाइट करते हैं। इसमें दो छोटे छोटे नट लगे हुए, दो बोल्ट है, दो नट है ये वाले जो इस जगह लगेंगे। आगे कर देना, उसके बाद ये हमारी ये फ्रेंड्स हमने कर दी इसकी थोटर पड़ी फाइनल फिट, टाइट रह गई। उसके बाद करते गाड़ी को स्टार्ट। क्योंकि लूज नहीं रहनी चाहिए, हमेशा प्रॉपर टाइट होनी चाहिए, लूज रहेगी तो काम ही नहीं करेगी। ये हमारा एक्सीलेटर की वायर यहाँ लगती है, ऐसे ऑपरेट होता है ये ऐसे। ये हमारी बटरफ्लाई होती है अंदर की, ऑपरेट होती है ओपन क्लोज। ये एक्सेलेटर यहाँ वायर लगा रहता है, ऐसे ऑपरेट करते हैं आराम से। तो यहाँ से आइडल जो है आइडल वाल का होता है, यहाँ से जाती है फिर अंदर वाल से ऑपरेट होती है, फिर डायरेक्ट यहाँ से थ्रोटल बॉडी में निकल जाती है। यहाँ से कोई नहीं जाती इसकी लाइन, इसके पीछे रहती है जो आइडलिंग पे कंट्रोल करती है। अब लगाते हैं इसकी वायर, इसकी एक्सेलेटर वायर है ये, इस जगह यहाँ ऐसे लगेगी इधर। ये फ्रेंड इसका ये मैं ऐसे लगाते हैं, फिर लग के फिर उसके बाद लॉक में बैठा देना।
कुछ वो था लोग था ना नहीं था ऐसे था ठीक है। ये फ्रेंड्स हो गई हमारी ये कंप्लीट थ्रॉटल बॉडी, और पीछे एक वैक्यूम का पाइप लगा रहता है इसी थ्रॉटल बॉडी पे, दिखाया नहीं था मैंने वीडियो में। ये जो है ये हमारा जो पेट्रोल का होता है उसमें जो एयर उस वैक्यूम को खींच के डायरेक्ट हमारे मैनिफोल्ड में भेजते हैं, और इसका एक सेंसर इधर ये पीछे कहीं पीछे लगा रहता है गोल सा, दिखाता हूँ वो डब ये गोल सा लगा, ये पेट्रोल के वैक्यूम का सेंसर होता है। यहाँ से जितना भी जैसे हम एक्सेलेटर करते हैं वैसे ही ओपन होता है, और जितना भी पेट्रोल का वैक्यूम है जो एयर है पेट्रोल की स्मेल वगैरह जितने भी है सब मैनिफोल्ड के थ्रू इंजन में चले जाते हैं। पहले गाड़ी को स्टार्ट करूँ? कर भाई स्टार्ट। इसमें प्रॉब्लम आ रही थी जैसे हम रेस छोड़ रहे थे वैसे गाड़ी बंद हो जा रही थी क्योंकि थ्रॉटल बॉडी बहुत। फ्रेंड्स हो गई इसकी कंप्लीट टाइट कर दी है, कर स्टार्ट भाई। सीएनजी पे आगे लग रहा है, सीएनजी पे योगी गाड़ी सेट है। बाकी पेट्रोल पे आ गई ना, ठीक है आराम आराम जाएंगे। ठीक है फ्रेंड फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, लाइट भी चली गई, लाइट भी चली गई। पहले लाइट आ रही थी उसी की आ रही थी जो आइडल एयर कंट्रोल वाला लगा था, इसी की लाइट थी।